हैं, बाकी सब काबुल में। तबाही फैलाओ, सारे कस्बे और शहर तबाह कर दो। ढूंढो वो तालिस्मान। हमारे घर के बाकी दो फौजी कहाँ गए? नाजिया भाभी और कासिम भाईजान किधर गए? छोड़िए से अजीज और चलिए काबुल शाही। इस वक्त काबुल शाही से महफूज जगह कोई नहीं हो सकती। सिर्फ हम दोनों ही निकल रहे हैं। जितने कम लोग रहेंगे उतना जल्दी भाग पाएंगे। बच्चे और बूढ़े वैसे भी रफ्तार कम ही करेंगे। किसी एक कमजोर कड़ी की वजह से एक फंसा तो सब मरेंगे अजीज। चलिए चलिए अजीज। देख क्या रहे हो पड़ो आगे, तोड़ डालो दरवाजा। बाबा को अकेले समझने की गलती मत करना। बाबा अपने आप में एक फौज है और बाबा की अपनी भी एक फौज है। ऐसे कितनी फौजों का खात्मा हम कर चुके हैं। मेरी प्यारी भांजी, अब एक मैं ही बचा हूं तुम्हारा अपना। चलें हैं? जिंदा कैसे बच गया दारा? तुझे मारने के लिए मुझे तेरी इसी वफादारी पे खिन्ना थी। I'm
शहजादी, आप ठीक तो हो ना? बाबा अकेले टक्कर दे रहे हैं सबको, हमें उनका साथ देना चाहिए। अकेला नहीं लड़ रहा वो मुसीबतों से, कोई और भी है जिन्हें काबुल को बचाना होगा। दोनों को दर्द में झुलसकर हथियार बनना होगा, हथियार बनना होगा उन 40 चोरों के खिलाफ। सुल्तान से गद्दारी की सजा, सुल्तान की यह तलवार ही लेगी। मार, मार इसे! डरो नहीं, डरो! और मार! मार, मारिए ना। अब इस जिंदा लाश से भी क्या कहूं, जो इसकी आंखों के सामने से निकल गई है वो सिमसिम जी का तोहफा थी। पूरे काबुल की जिम्मेदारी हम आप पर है। खुदा अगली बार बख्शे करे। ठीक वाली
लड़ाई का एक मौका नहीं छोड़ते ना तुम लोग? शाही सड़क वालों को पीटने का मौका कैसे छोड़ देते बिरादर? तुम लोग काबुल शाही की ओर निकलो, मैं थोड़ी देर में बाजार में मिलता हूँ। ध्यान रखो। शहजादी, शहजादी मिली क्या? नहीं, चल। शहजादी, 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 दारा गाजी, शहजादी तो ठीक है ना? बस सहमी हुई है। सुन चल। नजर रखो वहां। शहजादी को महफूज रखने की जिम्मेदारी हमारी है, आप हिम्मत रखिए। शहजादी हमें अभी निकलना होगा, फौरन चलिए। हम अबू के बिन नहीं जाएंगे शहजादी, हम अबू के बिन नहीं जाएंगे। अबू के पास जाना, नहीं शहजादी, नहीं शहजादी, नहीं। शहजादी संभालिए अपने आप को। और जो हम कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। आपके अब्बू हमारे सुल्तान इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शहजादी वो मरे नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है आपके अंदर, काबुल की आवाम के अंदर जिंदा है, उनकी उम्मीदों के अंदर जिंदा है। किसी भी हालत में शहजादी आपको आपके अंदर के सुल्तान की हिफाजत करनी होगी। शहजादी, शहजादी होने की जिम्मेदारी निभानी होगी आपको। आपकी जिंदगी सिर्फ आप ही की नहीं है, पूरे आवाम की है, काबुल की है। आपको अपनी आवाम की आजादी के लिए लड़ना होगा। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है शहजादी, हथियार उठाने का है। अपने वालिद के कत्ल का बदला आप ही को लेना होगा। चलिए। शहजादी दाई जलाल, शहजादी को लेकर इस खुफिया सुरंग से निकलिए, मैं आपको बंदरगाह पर मिलूंगा। जाइए।
शहजादी। चलिए फौरन। चलिए शहजादी। क्या 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 मिली? नहीं रेवर, कहाँ चली गई वो मेरी पांच की चाबी? तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ढूंढो उसे। अगर शहजादी नहीं मिली तो इन चोरों और सिमसिम जी से मैं क्या कहूंगा? मरियम तुम कहाँ हो? वो देखिए, अरे तो बेवकूफ देख क्या रहा है, पीछा करूंगा। रहबर, इन दो नाजुक टांगों से मैं कितना ही तेज भाग लूंगा। आप उन चोरों से बोलिए ना, काले बादल की तरह उड़ के पहुंच जाएंगे उनके पास। रबर, रबर, नहीं, नहीं, रबर, नहीं। और उन चोरों को बता दूं कि शहजादी भाग गई बेवकूफ। लेकिन उन चोरों का शहजादी से क्या लेना देना? मुझ्जत! अपने सवालों को बंद कर और पकड़ उन्हें। रबर, पकड़ो बेवकूफ। शहजादी सवाल के बानो को उसके पूरे खानदान के साथ एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया। आप फिक्र न करें, आप आए हमारे साथ। शहजादी संभालिए, आप संभालिए अपने आप को। शहजादी, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। मेरी बात गौर से सुनिए, यहां से बंदरगाह जाने के लिए हमें घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। हम अभी इंतजाम करके आते। नहीं 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 दादा, हमें अकेला छोड़ मत जाइए, हम आपके साथ चलेंगे। शहजादी आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी वापस आएंगे आपके पास। इससे आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। हमारी बात गौर से सुनिए, अगर हमें आने में देर हो जाए तो आप अकेली बंदरगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। नहीं, हमारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं जो, नहीं जो, नहीं, हम इसे संभाल के रखें। जिसके पास ऐसे नायाब जेवर हो वो हर मुसीबत से बच सकता है। आपको हिम्मत करनी होगी शहजादी, महल के बाहर किसी को नहीं पता कि आप शहजादी, क्योंकि किसी ने आपको देखा नहीं। बस एक चीज का ख्याल रखिए, शाही निशान को छुपा के रखिएगा। हम कभी भी आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहते शहजादी, लेकिन अगर आपको ये सफर अकेले तय करना पड़े तो समझ लीजिए ये आपका मुकद्दर है कि आप अपने अब्बू के कत्ल का इंतकाम लें। आपके मुकद्दर में है कि काबुल को फिर से हासिल करें, और हमें पूरा यकीन है शहजादी कि आप ये कर पाएंगे। शहजादी आपका साथ देना हमारे लिए फख्र की बात है। आपका साथ पाना फख्र की बात है।
नहीं जाए यहाँ से। और अपने आप को महफूज रखना। क्या? अपने अबू के कत्ल का इंतकाम। नहीं जाए यहाँ से। आपके मुकद्दर में है कि काबुल को फिर से हासिल करने अबू के कत्ल का इंतकाम। अपने आप को महफूज रखना।